कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज से आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देशवासियों संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार ने यह पहल की है। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सभी देशवासियों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है जो इसके वीरों की अदम्य वीरता, शौर्य, बलिदान, तपस्या, युद्ध और विजय की गाथाओं से भरा है। भारत माता के ऐसे ही महान सपूतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को प्रेरित किया और देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की। आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह के दौरान मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से जुड़े स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक